गाइस, तो हमने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था वो हमने वैदिक मैथ्स की मदद से जोड़ और बाकी यानी कि प्लस और माइनस करना सीखा था। तो वैदिक मैथ्स की मदद से अब हम सीखेंगे गुणा करना। जो गुणा जो करते हैं उसमें हमें जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसी कई विधियाँ हैं जो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से गुणा कर सकती हैं। इसके लिए कम से कम 7 या 8 विधियाँ हैं। इसमें पहली विधि जो है उसका नाम है अत्ययोदशकप्यपि। नाम ये संस्कृत है। इसमें क्या करते हैं, पहली विधि में जहाँ पर गुण्य व गुणक, गुण्य मतलब होता है जिससे हमें गुणा करना है और जो गुणक है जिसके साथ गुणा कर रहे हैं, तो गुण्य और गुणक दोनों का अगर हम योग करें तो 10 आना चाहिए और बाकी के जो अंक हैं शेष सभी अंक जो हैं वो सारे समान होने चाहिए। शेष अंक समान होने चाहिए तो हम इस विधि को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए 2 कंडीशंस क्या हैं कि जो गुण्य और गुणक हैं उन दोनों के जो इकाई अंक हैं, इकाई अंकों का योग तो होना चाहिए 10 और जो शेष अंक है वो समान होने चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, 24 मल्टीप्लाई बाय 26। यहाँ पर जो इकाई अंक है उनका योग क्या है, 10 हो रहा है और बाकी के अंक जो है सेम है। तो इसमें जो सूत्र लगता है वो सूत्र होता है इकाई अंकों का, अंकों का गुणा लिखना है हमको दाईं ओर और शेष अंकों को शेष अंकों में क्या करना है, पहला अंक इनटू दूसरे अंक का 1 अधिक ये जो मैंने लिखा है इसको सूत्र समझिए, नोट समझिए या स्टेप समझिए। इससे आपको क्या करना है, इन दोनों का तो क्या करना है मल्टीप्लाई, 6 4 24 और इसमें क्या करना है इसे इससे मल्टीप्लाई करना है पर इसके 1 अधिक से यानी 2 into 2 का 1 अधिक यानी 2 into 3 जो कि क्या होगा 6। तो इसका आंसर आएगा 6 24। आप इसको करके भी देख सकते हैं, इसका अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 24 आंसर इसका आएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सिक्सटी एट यहाँ पर इकाई अंक क्या क्या हैं, 2 और 8 इनका योग क्या आ रहा है 10। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है और बाकी के अंक सेम है। अब इसके गुणा करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है क्या है, इकाई अंकों का गुणा 2 into 8 करेंगे तो क्या आएगा 16 और इसी इससे गुणा करना है पर इसके 1 अधिक से तो यानी 6 into 6 का 1 अधिक वो आएगा 7 into 6 और 7 6 42। तो इसका आंसर आ गया 4216। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इनके जो नॉर्मल विधि से इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेक करते रहना। एक और एग्जांपल 93 और 97। अगेन यहाँ पर जो इकाई अंक है उनका योग क्या आ रहा है 10, ठीक है। तो क्या करना है, और बाकी के अंक सेम है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, इकाई अंकों को गुणा करके यहाँ लिखते हैं दाईं ओर 3 7 जा 21 और इसे इसके 1 अधिक से गुणा करना है तो 10 9 जा 90
तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में इसे गुणा करके जान सकते हैं इस सूत्र की वजह से। ये सभी संख्याओं सभी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता, ये वहीं अप्लाई होता है जहाँ पर इकाई अंकों का योग 10 और शेष अंक समान हो। अगर इसे हम नॉर्मल तरीके से गुणा करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, बहुत टाइम लगेगा, 7 3 21 63 और 2 65 27 83 12। तो इसमें इसकी कंपैरिजन में इसमें काफ़ी टाइम लग गया। अगर आपको इसके फॉर्मूले और इसके सारे जो मेथड अच्छे से याद हैं तो आप वैदिक गणित की मदद से बहुत जल्दी गुणा कर सकते हैं कई सेकंड में। तो ये हमारा फर्स्ट सूत्र था, अत्युदर्शत के अपि, जिसका मतलब इस तरह से है, इसे करना इस तरह से है। करना है एक काम, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे।